गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई एम सुनीता फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल. आई एम योर इंग्लिश टीचर. टुडे माई टॉपिक इज राइमिंग वर्ड. अब राइमिंग वर्ड क्या होते हैं? मिलते जुलते शब्द. अब मिलते जुलते शब्द जैसे कि हम हिंदी में करते हैं माला ताला, आना जाना, अपना सपना, इसी तरह से ये हमारे इंग्लिश में भी राइमिंग वर्ड होते हैं मिलते जुलते. पैग लेग, पैग लेग. पैग का हम क्या लिखेंगे? लेग. हमारा ये फर्स्ट लेटर चेंज हो जाता है इसमें, बाकी सेम रहते हैं. फर्स्ट लेटर चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेंगे. वेल बेल, वेल बेल. मैन पेन. माँ इधर है एम, एम की जगह हमने पी लिखा, बाकी सेम लिख देंगे. ई और एन हमारा सेम आ जाएगा, ई एन. इसी तरह से ये हमारे राइमिंग वर्ड होते हैं. पेन मैन. सेट एस ई टी सेट, पी ई टी पैट, जे ई टी जेट, एस ई टी सेट, डब्ल्यू ई डी वेड, आर ई डी रेड, पी ई टी पेट, एन ई टी नेट. ये हमारा हमने लिख लिया. अब इसको बोलेंगे भी. किस तरह से बोलना है? बोलने के लिए पैग लैग, वेल बेल, मैन पेन, सेट पैट, जेट सेट, रेड रेड, पैट नेट, इस तरह से पढ़ेंगे. और आप स्पेलिंग जरूर पढ़ेंगे. पी ई जी पैक, एल ई जी लेग, डब्ल्यू ई डबल एल वेल, बी ई डबल एल बेल, एम ई एन मैन, पी ई एन पेन, एस ई टी सेट, पी ई टी पैट, जे ई टी जेट, एस ई टी सेट, डब्ल्यू ई डी वेड, आर ई डी रेड, पी ई टी पैट, एन ई टी नेट. इस तरह से ये आपका क्लास वर्क है. नेक्स्ट होमवर्क आपका एन ई टी नेट, पी ई टी पैट, एच ई एन हैन, पी ई एन टेन, टी ई एन टेन भी लिख सकते हैं आप, बी ई डी बेड, आर ई डी रेड, ई डबल जी एग, पी ई जी टैग, बी ई डबल एल बेल, W E L L bell, well, ten, hen, pen, आप जो मर्जी लिख सकते हैं, बट राइमिंग वर्ड होना चाहिए. shell, well, bell, sell, bell. इस तरह से इसको स्पेलिंग से भी आपने रीड करना है. N E T net, P E T pet, H E N hen, P E N pen, B E D bed, R E D red. E double G egg, P E G peg, B E double L bell, W E double L well, T E N ten, H E N hen, C E double L cell, B E double L cell, net pet hen pen bed red egg peg bell well ten hen cell bell. इस तरह से ये आपका आज का होमवर्क हो गया. और क्लास वर्क होमवर्क आप दोनों ही करेंगे. और रीडिंग मस्ट है बेटा. ये नहीं आपने वन टाइम रीडिंग करी है, उसको जैसे आपको टाइम मिलता है थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो आप उसको कॉपी से भी रीड करेंगे. और बुक रीडिंग तो है ही है आपकी. ओके, थैंक यू बेटा.